Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS and the class of CSAT Super 5. Today we will discuss a very important topic, that is time and work. Time and work से हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है, हर बार आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर. ओके, तो जब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, इन दैट केस सिंपल आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क, कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो इन दैट केस कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है. जो पर्सन वर्क कर रहे हैं, दैट मे बी एनी मैन, वो मैन, बॉय, गर्ल, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, मशीनरी. तो कह रहे हैं कि जो वर्किंग है पर्सन, उसकी एफिशिएंसी कितनी है. एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, कि पर यूनिट टाइम के अंदर वो कितना काम कर पा रहे हैं. ओके, और अगर आपके पास में एफिशिएंसी है और टोटल वर्क है, इन दैट केस यू कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम. ओके, कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशियंसी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि हम कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ टॉयज बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है. तो मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे टोटल 30 टॉयज बिल्ड करने हैं, ठीक है. और एक टॉय यहाँ पे टोटल मुझे 30 टॉयज बिल्ड कर रहे हैं, और उसके बाद में मैं कह रही हूँ कि मुझे 1 आवर लगता है किसके अंदर, 2 टॉयज को बिल्ड करने के लिए. 2 टॉयज 1 आवर के अंदर मैं बना पा रही हूँ, तो मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल मुझे कितना टाइम लगेगा 30 टॉयज को बिल्ड करने में. तो सीधी सी बात आपके माइंड में क्या आएगा, हाँ जी मैम 1 घंटे में 2 टॉयज, ठीक है, 2 घंटे में 4 टॉयज, दैट मीन्स व्हाट, इन 15 आवर वी विल मेक 30 टॉयज, है ना, सिंपल सी बात है. तो कैसे आया अपने पास में, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15. क्या होता है कि जब हम फॉर्मूलाज पे बेस हो जाते हैं ना बेटा, पूरा डिपेंडेंट, इन दैट केस लॉजिकली हम वीक हो जाते हैं. तो मैं कहती हूँ कि यू शुड बिकम लॉजिकली स्ट्रोंग, बिकॉज जब सी सेट के पेपर की बात आ रही है ना, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूलाज, मैं ये नहीं कह रही कि फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने, बट उसको लॉजिकल तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, हर एक टॉपिक लॉजिकली प्रिपेयर करना, बिकॉज आजकल पेपर में सारे लॉजिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये सिंपल अपना एक तरह से डेली लाइफ का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि भाई अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, जितना भी मेरे पास में टोटल वर्क था उसको मैंने 1 घंटे के अंदर जितना कर पा रहे हैं उसे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में टोटल वर्क आ गया. तो यहाँ पे ये जो 2 टॉयज है ये क्या है, एफिशिएंसी है. ये जो 30 टॉयज है ये क्या है मेरे पास में, टोटल वर्क है. डन, तो हम टाइम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. सेम वे अगर मेरे पास में एफिशिएंसी, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है आपको परसेंटेज के फॉर्म में एफिशिएंसी मिल जाए, किसी क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में आपको एफिशिएंसी मिल जाए, किसी क्वेश्चन में आपके पास में कुछ डेज गिवन है वहां से आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो. ओके, तो फाइनली हमें क्या चाहिए, 3 फैक्ट्स हैं, टाइम, टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी. सारा टाइम एंड वर्क इन्हीं पे बेस है पूरा का पूरा. तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है. अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ए और बी 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं. ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज. ए और सी 15 डेज में कर रहे हैं. बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज. देन इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी टूगेदर कैन कम्प्लीट द वर्क. अब देखो, सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया, हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना करना है और सिंगल पर्सन की एफिशियंसी कितनी है. तो टोटल वर्क फाइंड आउट कैसे करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं. देखो ए और बी 12 डेज ले रहे, आगे क्या कहा है उसने, ए एंड सी 15 डेज ले रहे, उसके बाद क्या कह रहे हैं, बी और सी 20 डेज ले रहे उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में. अगर मैं सबका एलसीएम ले लूँ, मीन्स एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल होगा, है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 60. तो इसको हम कहेंगे कि जो 60 यूनिट्स हैं वो मेरा क्या है, टोटल वर्क है.
क्या है हमारे पास में, टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क अभी मैंने क्या बताया, हाँ जी, टाइम इज इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। ए और सी कितना टाइम ले रहे हैं, 12 डेज। दैट मीन्स कि ए और सी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/12। दैट मीन्स कि 5 यूनिट्स पर डे। मीन्स एक दिन में कितनी यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 यूनिट्स। सेम वे ए एंड सी, 60/15, 4 यूनिट्स। बी एंड सी कितना हो गया आपके पास में, 60/20, 3 यूनिट्स। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में उसने कहा ए बी सी टुगेदर, टुगेदर दैट मीन्स कि सबका इकट्ठा करना है आपने। जब आप उसका टुगेदर करते हो, इन दैट केस यू विल ऐड ऑल दिस, जब आप इन सबको ऐड करते हो, देन ए इज 2 टाइम्स, बी इज 2 टाइम्स, सी इज 2 टाइम्स। दैट मीन्स कि 2a + b + c। अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल कितना आ गया एफिशिएंसी, 5 + 4 + 3, 12 यूनिट्स। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी, ए बी सी दैट मीन्स कि इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ए बी सी आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसको भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ गया अपने पास में, 6 यूनिट्स। ये क्या हो गया, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, कितना टाइम लगेगा ए बी सी को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी विल टेक हाउ मच टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशियंसी ऑफ ए बी सी। दैट मीन्स दैट इज, कोई माइनर सा डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकती हूँ, सभी तो देखो बेटा नहीं हो पाएंगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है। तो देखो क्या है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 9:3/8 days। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 days अलोन एंड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई बी, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में एफिशिएंसी गिवन है, क्या कह रहे हैं, ए इज 40% मोर एफिशिएंट, इफ बी इज 100% एफिशिएंट, तो ए क्या हो गया, 140% एफिशिएंट हो गया, ओके। तो अगर मैं दोनों की रेशियो निकालूं तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपके पास में, 7:5, ओके। अब इसने कहा है कि दोनों मिलके 9:3/8 days में वर्क को कंप्लीट कर रहे, दिस इज लाइक दिस, दिस इज 75/8 days। अब जिसके डेज गिवन है उसी की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास में, एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 7 + 5 = 12। टाइम कितना गिवन है आपके पास में, 75/8। हाँ जी बेटा, कितना हो गया आपके पास में, 225/2 यूनिट्स ऑफ वर्क इज देयर। अब क्या कह रहा है वो, वो कह रहा है कि इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 days, ए ने स्टार्टिंग के 5 days वर्क किया, अब ए ने 5 days में कितना वर्क करा, 5 days वर्क ऑफ ए। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 यूनिट्स, तो 5 days में कितना करेगा, 7 × 5 = 35 यूनिट्स। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना रह गया, 225/2 यूनिट्स ऑफ वर्क था, 75 यूनिट वर्क्स कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में बेटा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो गया 70 माइनस करोगे आप इसके अंदर से तो ये हो जाएगा आपके पास में 1, इतना हो गया ये रिमेनिंग वर्क है। एंड दिस रिमेनिंग वर्क इज डन बाई होम। अब ए ने काम कर लिया, उसके बाद जो बाकी का काम है वो किसने करा है, बी ने करा है, तो बी कितना टाइम लेगा उसको करने में, यस, 5 बी टोटल वर्क है डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में, 5, दैट मीन्स कि इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ओके तो कितना हो गया ये, 15:1/2 days। तो बी को कितना टाइम लगा,
15 इज टू 1/2 डेज. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, कि बी को कितना टाइम लगेगा या फिर टोटल कितना टाइम लगेगा. अब यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क, टोटल वर्क मीन्स 5 यूनिट इज डन बाय ए, जो यहाँ पे 5 डेज के अंदर ए ने काम किया, तो 5 डेज तो यहाँ पे लग गए, एंड 15 इज टू 1/2 डेज यहाँ पे लग गए, तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, टोटल आ गया आपके पास 20 इज टू 1/2 डेज. आई होप सभी को क्लियर है, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड टाइम एंड वर्क पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने सभी पर प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ए कैन डू वर्क इन 36 डेज, ए 36 डेज में कर रहा है, बी इन 48 डेज. इफ ए वर्क फॉर एक्स डेज वाइल बी वर्क फॉर एक्स प्लस 2 डेज, देन 1/3 ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. देखो बेटा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, बट यहाँ पे जैसे ही आपको एक्स दिखा तो माइंड में कहीं ना कहीं हो जाता है कि हाँ साथ में वेरिएबल आ गया, टफ है. नो, दिस इज नॉट टफ. इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर देन यू कैन इजिली डू इट. देखो कैसे, ए 36 डेज में वर्क को कर रहा है, बी 48 डेज में वर्क को कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क. ओके, तो कितना आ जाएगा, 144 यूनिट्स. एफिशिएंसी आ गई दोनों की, हमारे पास में ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट्स. अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, इफ ए वर्क फॉर एक्स डेज, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, दैट मींस एक्स डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा 4x. बी एक्स प्लस 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है एक्स प्लस 2 वर्क करेगा, और क्या कह रहा है, देन 1/3 ऑफ द वर्क इज डन, 1/3 ऑफ द वर्क इज डन. सिंपल, आई थिंक नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट. सॉल्व करिए, सेवन एक्स इज इक्वल टू 42, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 6. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 6 विल बी द करेक्ट आंसर. डन, कोई माइनर सा डाउट किसी को, नेक्स्ट देखिएगा. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन टाइम एंड वर्क से. क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 22 डेज, इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर जॉब. अगेन गुड क्वेश्चन, आपके एग्जाम के अंदर जब हम बात करते हैं सी सेट की, देन इन दैट केस लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो कंडीशंस को पहले अच्छे से समझना और फिर क्वेश्चन को करना है. तो जब हमने देखा कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो पहले हमारे पास में जैसे कि 3 चीज़ें हमें चाहिए, क्या, एफिशिएंसी, टोटल वर्क, तो पहले वो फाइंड आउट कर लो. ओके, और उसके बाद जैसे जैसे कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करते हुए चलो. देखो जैसे यहाँ पे ए कैन डू इन 20 डेज, अब यहाँ पे उसने क्या कहा, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, दैट मींस फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए एंड बी. क्या कहा है, ए बी, ए इज 25% मोर एफिशिएंट, सॉरी बी है, दिस इज बी, बी इज 25% मोर एफिशिएंट, इफ ए इज 100% देन बी इज 125%, रेशियो निकालोगे 4:5, दिस इज द एफिशिएंसी. डन, अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज. अब हमारे पास एफिशिएंसी तो दोनों की आ गई है, बट टोटल वर्क अभी तक नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द टोटल वर्क. टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, यस, टोटल वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी इनटू टाइम. अब देखो टाइम क्वेश्चन में किसका गिवन है, टाइम गिवन है आपका ए अलोन, दैट मींस कि ए की एफिशिएंसी को अगर मैं ए के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल वर्क आ जाएगा. ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 डेज, कितने हैं 20, दैट मींस 80 यूनिट्स. क्लियर, अब उसने कहा कंडीशन में ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज. अब ए और बी अगर दोनों वर्क काम स्टार्ट करेंगे तो कितना काम करेंगे, ए 4 यूनिट, बी 5 यूनिट, दैट मींस 9 यूनिट विल बी डन इन वन डे,
वन डे 9 यूनिट, तो 4 डेज में कितना कर लेंगे? हाँ जी, 9 इंटू 4 36 यूनिट्स। अब 36 यूनिट्स वर्क हो गया है, रिमेनिंग वर्क कितना आया आपके पास में? माइनस 36, 80 माइनस 36 44 यूनिट्स। और ये क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया है? सी ने किया है। कितने दिन में? 22 डेज में। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सी ने जितना वर्क किया डिवाइडेड बाय सी को जितना टाइम लगा, सी को लगा 22 डेज, दैट मीन्स कि 2 यूनिट पर डे। भाई एक दिन के अंदर कितना कर रहा है? 2 यूनिट वर्क कर रहा है। अब टोटल वर्क कितना है? 80 यूनिट है। तो कितना टाइम लगेगा एक दिन में 2 यूनिट? तो 80 यूनिट कितने दिनों में खत्म होगा? सिंपल, 40 डेज में। सो आंसर विल बी 40। कैसे फाइंड आउट किया हमने? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी 40 डेज। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है सभी को? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो न्यू यूज़र हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, इन दैट केस यू शुड गो फॉर द माइक्रो वर्सेस। अभी पीडीएफ आप लोगों को माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन सिंगल सिंगल टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो टॉपिक प्रिपेयर नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है, ए टेक्स 24 डेज इन कंप्लीटिंग ए वर्क अलोन। टाइम टेकन टू ए इन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई बी इन कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क। हाउ मैनी डेज विल बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी स्टार्ट टूगेदर। अब यहाँ पे देखो, अपने पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ए 24 डेज ले रहा है काम को कंप्लीट करने में। ए कितना टाइम ले रहा है? 24 डेज। लेट अस से कि जो टोटल वर्क है दैट इज 24। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू ए इन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क। 1/3 वर्क कितने में करेगा? 1/3 हाँ जी, टोटल वर्क कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में, तो 1/3 कितने में करेगा? डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स कि 24/3 8 डेज में। अब देखो कंडीशन को ध्यान से समझो, क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी इन कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क। बी इतने टाइम में क्या कर रहा है? हाफ वर्क कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स कि बी हाफ वर्क 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स कि फुल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 16 डेज में कंप्लीट करेगा। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया आई होप सभी के लिए। ए टेक्स 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क, बी टेक्स 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क, एंड इफ बोथ ए एंड बी विल वर्क ऑन द सेम यूनिट देन हाउ मच टाइम दे विल टेक। तो कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात, अब दोनों की एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले किया था, ए बी, ए 24 डेज में, बी 16 डेज में, दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में। टाइम कितना लगेगा आपको? टोटल वर्क इज 48 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी 2/3 5 यूनिट्स, दैट मींस कि 48/5 डेज। सिंपल, कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को? अगर कोई भी माइनर सा डाउट है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जो सुपर 5 सीरीज है, फ्री सीरीज है, इसके अंदर हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करते हैं और दूसरी क्लास के अंदर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, इन दैट केस आपका कंसेप्ट के बाद में प्रैक्टिस करने क्वेश्चन पे, ठीक है, वो आप किसी बुक से कर सकते हो, या फिर ऐसा है कि हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें विद फुल सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना। तो अभी पीडिया आप लोगों के लिए माइक्रो वर्सेस लेके आया है। बेटा देखो, ये जो गिवन लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है मैंने, आप यहाँ से
माइक्रोवर्सेस पे जा सकते हो, और दूसरा जब आप हमारे माइक्रोवर्सेस पे जाते हो इन दैट केस द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको खुद को पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश, ऑल इज गिवन हेयर. हम यहाँ पे मैथ्स पे चलेंगे. अब यहाँ पे देखो हर एक टॉपिक, यहाँ पे आप देखो क्या कह रहे हैं. यस, नंबर सिस्टम 21.8% पेपर इसमें से. इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि मैथ्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे इतने परसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 ईयर्स के अंदर. 10 ईयर के एनालिसिस के बेस पे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया. LCM HCF 2.34%. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे नहीं आया हुआ, दैट मीन्स कि दीज आर ओनली ट्रिक्स ना. ठीक है, एवरेज 4.3%. जिन जिन से क्वेश्चन आए हुए आप उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. 3.52%, परसेंटेज 8.59%, सिंप्लीफिकेशन 15.23%, प्रॉफिट लॉस 1.95%, प्रॉब्लम ऑन एज 2.73%, परसेंटेज. अब देखो पार्टनरशिप सिलेबस में है बट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है. क्लियर है? तो यहाँ से आपको एक तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने ज़्यादा प्रिपेयर करने, किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी. तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क. 3.52% मीन्स कि हर बार यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो 3 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वेब नोट्स अवेलेबल एंड 351 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है. अब 3 मिनट्स का आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो. ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, हाँ जी, जो प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 169 है, कोई बात नहीं. आप देखो कि मुझे क्या चाहिए. अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए ओनली दिस 64, आप इन दोनों को रिमूव कर दो. ओके, सो दिस इज 64 ओनली. हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे वीडियो लेक्चर्स नहीं, दोनों चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी चाहिए. हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट अटैच है, PDF अटैच है, ये भी ध्यान रखना. एक बार सभी ट्राई जरूर करेंगे कि हाँ माइक्रोवर्सेस में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर यू विल गेट 100% सेटिस्फैक्शन कि हाँ मुझे यहाँ से प्रॉपर मटेरियल मिला है. ओके, तो एक बार सभी ने ट्राई करके देखना. तो बेटा देखो कि हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर्स लेने, वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिक्वायर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हो. वेब नोट्स ले सकते हो. ओके, तो सबसे पहले ट्राई करना क्लास लेक्चर्स पे, ठीक है, उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डन. सो अगर आपको कोई भी इशू आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. दूसरा, यहाँ पे एक सेक्शन है, वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन करोगे तो वो इंक्वायरी हमारे पास आ जाते हैं. एनी पर्सन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विल टॉक टू यू. ओके, सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर PYQ के साथ में. बेस्ट ऑफ लक.